कैसे हो? आप कैसे हो? अरे मैम, आज तो बस अब आप मिठाई यहाँ से तुरंत जाना और मिठाई लेके खाना। मैं? यस। क्यों? क्यों? क्योंकि एक आज बहुत अच्छी खबर शेयर करनी है। क्या? शेयर ये करनी है खबर कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन ने मेल किया था जनवरी 2022 में। अच्छा। यस। टू That Chief Minister, Chief Secretary, Principal Secretary, Indoor Collector and Secretary Animal Welfare. अच्छा। तो उसमें ये बोला गया था कि कुत्ते के द्वारा काटने पर एक सरकारी हेल्पलाइन नंबर का गठन करो और घर बैठे टीका लगाने की सुविधा दी जाए। तो आप चाहते हो कि मैं इसको पूरा रीड करूं? बिल्कुल, सबको पता होना चाहिए। जागरूक नागरिकों का एक समूह है जो पिछले 5 वर्ष से सोशल मीडिया के माध्यम से एक जन अभियान चला रहा है। इस अभियान में हमारा उद्देश्य देश के नागरिकों को डॉग बाइट से बचाना, डॉग्स के साथ दया का व्यवहार करना, डॉग्स की आबादी को काबू करना और नागरिकों को स्ट्रीट डॉग की समस्या हो रही है उनके समाधान बताना। जी, विगत कई वर्षों से निरंतर स्ट्रीट डॉग बाइट की समस्या से नागरिक त्रस्त होते जा रहे हैं। साथ ही साथ इस वजह से बच्चे और बुजुर्ग नागरिकों को खौफ के साए में जीना पड़ रहा है। इसके समाधान हेतु हमने 5 वर्ष के शोध में हमने पाया कि जिन श्वानों को हर दिन भोजन और पानी की पूर्ति हुई, वो श्वान को उग्र, उत्तेजित और आकर्षित होने से बच गए। जिस क्षेत्र में बोजवानों के लिए भोजन और प्यावनी की व्यवस्था करी गई, उस क्षेत्र में न सिर्फ डॉग बाइट की समस्या कम हुई बल्कि साथ साथ उस इलाके में क्राइम रेट भी कम हुए। चूंकि सड़क पर जी रहे श्वान मनुष्य के ऊपर निर्भर हैं, अतः इन जीवों को भोजन पानी देना पूरे देश के नागरिकों की नैतिक जिम्मेदारी है। भोजन पानी के अभाव में जब कोई नागरिक श्वान के काटने का शिकार होता है तो उसे अज्ञानता के अभाव में नहीं यह पता होता, नंबर 1, क्या करना है इमीडिएटली, नंबर 2, जहाँ पे श्वान ने काटा है उस जगह को 10 मिनट तक साबुन से रगड़कर धोना है, उस जगह पर पट्टी नहीं बांधनी है, घरेलू उपचार बिल्कुल नहीं करना है, सरकारी अस्पताल जाकर 24 घंटे के अंदर टीका लगाना है, डॉक्टर द्वारा बताए गए समय पर जाकर नियत तिथि पर 5 टीके लगवाने हैं। उपरोक्त जानकारी की कमी के चलते अमूमन ऐसा पाया गया कि श्वान के काटने का इलाज तो है पर इलाज के प्रति अज्ञानता होने के कारण नागरिकों की मौत हो रही है। इसका उदाहरण हाल ही में रतलाम जिले में ग्राम रामपुरिया पाटड़ी की एक 8 वर्षीय बालिका माया का समय पर टीकाकरण न होने के कारण निधन हो गया, क्योंकि उसके परिवारजनों को अज्ञानता के कारण यही नहीं मालूम था कि तय समय की अवधि में नियत टीकों की क्या महत्ता है। अतः नागरिकों को जागरूक करने के लिए निम्न कार्य प्रशासन को करने आवश्यक है। श्वान को भोजन पानी देने के लिए नागरिकों को जागरूक करें ताकि डॉग बाइट के वाक्य ना हो। श्वान अगर काटता है तो ऐसी स्थिति में नागरिक क्या करें, उस विषय पर नागरिकों को अखबार में बड़े बड़े विज्ञापन देकर जगह जगह होर्डिंग्स लगाकर जागरूक करें। एक हेल्पलाइन नंबर का गठन किया जाए जहाँ जागरूक नागरिक फोन करके शासन के कर्मचारियों से मार्गदर्शन ले सके। जो नागरिक डॉग बाइट का शिकार हुआ है उसको स्वास्थ्य अधिकारी की टीम फॉलोअप जरूर करे ताकि नियत समय पर उसे टीके लगाए जाएं और जरा भी लापरवाही नहीं बरती जाए। जिस भी इलाके में डॉग बाइट की इंसिडेंट रिपोर्ट हो वहां के नागरिकों को जागरूक कर लोगों को स्ट्रीट डॉग के साथ जीवन जीने की शैली सिखाई जाए। आपसे निवेदन है कि विषय की गंभीरता को लेते हुए आप त्वरित रूप से एक हेल्पलाइन नंबर गठित करें और एक जागरूकता अभियान अवश्य चलाएं ताकि हम सब मिलकर एक सुरक्षित प्रदेश की रचना कर सके। जय हिंद। जय हिंद। ये 2 साल पहले मैडम दिया गया था। किसने लिखा था? ये डॉगिटाइजेशन ने लिखा था। और किसको लिखा था? ये डॉगिटाइजेशन ने स्टेट गवर्नमेंट को, एनिमल वेलफेयर बोर्ड को, फिर आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, चीफ मिनिस्टर को, एक इंदौर कलेक्टर को, सबको लिखा था। जितने प्रशासन में जो लोग इस विषय पे, जब वो खबर सुन के हम अचंभित हुए कि वो टीके के अभाव में बच्ची खत्म हुई, तो दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग, और उसको ध्यान में रखते हुए हमने लिखा था। अब ये इसी को देखते हुए हमने ये जब लिखा तो देखिए प्रशासन बहुत चीज़ों पर एक्चुअली या तो सो रहा है या वो उसको प्रायोरिटी में नहीं रख रहा, ये होता है। तो हमको जाके कहीं ना कहीं उसको बार बार हैमर करके उठा के काम करवाना पड़ेगा। और वो डॉगिटाइजेशन करता आ रहा है 5 साल से निरंतर, पर वही बात है कि डॉगिटाइजेशन ने कभी भी अपना पेशेंस ना खो के फॉलोअप बराबर लिया। और हर सब्जेक्ट पे मेल है इस तरह के,
जो जो होता जाएगा हम अपने फॉलोअर्स को रूबरू करवाते जाएंगे कि इसके पीछे की स्टोरी क्या है। आज ये जो मैसेज आया है, आज ये मैसेज एक अपडेट आया है, गवर्नमेंट हेल्पलाइन ऑन डॉग बाइट, हेल्थ मिनिस्ट्री लॉन्च द हेल्पलाइन नंबर फॉर इंफॉर्मेशन ऑन फर्स्ट एड, नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर एंड वैक्सीनेशन शेड्यूल इन केस ऑफ डॉग बाइट। करंटली द हेल्पलाइन नंबर दिस इज फंक्शनल इन दिल्ली, आंध्र प्रदेश, MP, आसाम एंड पौंडेचेरी। 96% ऑफ मोर्टैलिटी ड्यू टू रेबीज इज एसोसिएटेड विद डॉग बाइट। तो ये जो है, इस तरह से हम फिर बोलते हैं, डॉगिटाइजेशन एक ही रिक्वेस्ट करता है कि आप अपने अपनी समस्याओं के जो समाधान सुझाए गए हैं वो जाके लोकल प्रशासन को कॉन्स्टेंटली लिखित में दीजिए, खटखटाते जाइए, लिखित में दीजिए, उसका फॉलो अप लीजिए, उसके ऊपर से मेल करना या कम्युनिकेशन करना, करते जाइए। क्योंकि अगर ये सब हुआ तो जब वो प्रशासन की नज़रों में आता है कॉन्स्टेंटली जाने पे, तो इस तरह के सॉल्यूशंस आते हैं। और इस समस्या का एकमात्र समाधान यही है, उसके लिए प्रॉपर दरवाज़ा खटखटाना ज़रूरी है। और इस तरह से आप किसी भी समस्या का समाधान प्रशासन और शासन के माध्यम से पा पाएंगे। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब आप देखिए, आपके पास में दो डॉग्स बैठे हुए हैं, भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, इनको विश्वास है, इसी कारण से ये काट नहीं रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा सीधा ये लेटर में बोला गया था, वो बात यथार्थ हो रही है कि डॉग पहली बात तो काटेगा ही नहीं यदि भोजन पानी प्यार मिल गया, और यदि काट लिया तो हेल्पलाइन नंबर की व्यवस्था हो गई है। अब हम एक और लेटर लिखने वाले हैं मैम, पता है? धन्यवाद देने के लिए। नहीं, वही थोड़ी ना, ये बात यहीं पर ख़त्म नहीं होने वाली है। अब हम अगला लेटर लिखने वाले हैं, उसके अंदर में उन्हें धन्यवाद के साथ में ये बोलेंगे कि आपने इतनी ब्यूटीफुल इनिशिएटिव तो ले लिया कि हेल्पलाइन नंबर का गठन कर दिया, लेकिन इसकी अवेयरनेस नंबर जन जन तक पहुंचाना है, क्योंकि श्वान के साथ जन जन को जीना है। तो यदि इन्होंने हेल्पलाइन नंबर की अवेयरनेस नहीं करी तो फिर इट विल बी अ सैंपल पीस। वो तो इनफैक्ट एनीथिंग जो भी इस दिशा में लिया जा रहा है कदम, उसकी बिना जागरूकता के आम आदमी तक जब तक नहीं पहुंचेगा, तब तक कोई भी निकाल नहीं। पर अगर आम आदमी तक जिस तक छोटी छोटी चीज़ें पहुंच गई, कभी ये डॉग बाइट को लेके इतनी शिकायतें या आपसी झगड़े कभी नहीं होंगे। सुन लिया स्वीटी बेबी तुमने, सुन लिया? तो हम डायरेक्टली इनको फ़ायदा ऐसे नहीं पहुंचा रहे हैं कि ये घायल हो रहे हैं हम इनका इलाज कर रहे हैं, ये घायल हो रहे हैं हम इनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन हम इस तरीके से पहुंचा रहे हैं कि हम पूरी तरह से पब्लिक को इतना अवेयर कर दें कि ये घायल ही नहीं हो, समझ गए? इसीलिए हम बार बार बोलते हैं #NoDonation, #DoDoTheNation, #DayaluBharat and #LetsDoggitizeIndia। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।